ये रात के सवा एक बज चुके हैं और बताओ हम पर कमा में कम्बल बांट रहे हैं। तो ये अब यहाँ आप देख सकते हैं कितना कोहरा है, कितना फॉग है। अब यहाँ पर वितरण करते हैं। हम चाहते हैं ना किसी को जगाए नहीं और चुपचाप चुपचाप उड़ा के चले जाएं, उसका अलग ही आनंद है। इसको लगावा ठीक है, राधे राधे। और अधिकांश लोगों के पास ना बिल्कुल भी मतलब ब्लैंकेट नहीं है, कोई कोई तो शॉल में ही मतलब उड़ करके सो रहा है, किसी के पास है कंबल तो बहुत पतला वाला है, तो उनको हम डबल डबल कर दे रहे हैं ताकि बेचारे ठंड नहीं लगे ठाकुर जी की कृपा से। बाबा आपको मिल गया ना, बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा से खूब आशीर्वाद दो जिन्होंने भेजा है, ठीक है। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में, श्री धाम वृंदावन से। ठाकुर जी की परम कृपा से पहले तो हमने बांटे थे इनर वगैरह और सॉक्स, तो इस बार ठाकुर जी की परम कृपा से और हमारे यूट्यूब के भक्तों की कृपा से मतलब ये सुलभ हो रहा है कि आज हम मतलब ब्लैंकेट बांटने के लिए जा रहे हैं। परिक्रमा में सोते हैं ना सड़क वगैरह पे, तो उनको उड़ाने के लिए। और हमारे साथ में हमारे मित्र, इसका नाम है हीरा, तो मिलिए हमारे हीरा से। राधे राधे, सलाम नहीं, राधे राधे। आज उल्ला कलकत्ता जाएगी। राधे राधे, राधे राधे। तो यार राधे राधे, राधे राधे। मतलब घर पे हम सोच रहे थे कि हम टमटम से जाएंगे, मगर उसी समय में दो भगत जी आ गए और बोले कि भैया हम गाड़ी लेकर के आ रहे हैं अभी होटल से, फिर हमारे साथ में चलना, वही बहुत बढ़िया बात है। फिर तो भैया रात के 11:30 बजे आप देख सकते हैं वृंदावन धाम में कितनी शांति है, बिल्कुल दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है और हमारी गली में भी कोई नहीं है। भैया भैया लोग आ चुके हैं, ये वाली गाड़ी है। भैया जल्दी से जल्दी सामान को भरते हैं इसमें, फिर चलते हैं प्रस्थान करते हैं। भैया तो ये इतने कम्बल है कि मतलब गाड़ी में भी जगह मुझे लगता है कम लग रही है, क्यों? क्योंकि पहले से ही हम चार लोग हैं इसमें। देखेंगे कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, तो दोबारा एक और राउंड लगा जाएंगे फिर ले जाएंगे। और हम रात को ले जा रहे हैं लगभग 100 ब्लैंकेट्स, अगर 100 से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा एक और राउंड लगा लेंगे। और भी कई सारे रखे हुए हैं अभी। तो ये गाड़ी में कम्बल जो है ठूस ठूस के भरे हुए हैं। जय भैया राधे। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम गौरव है। और आपका भैया? लाइट जला लो। नहीं यही है। तो भैया आप मानोगे नहीं, मतलब मेरे पापा बोल रहे थे कि मतलब कि बेटा कैसे जाओगे तुम दो जने में, और ये मतलब मेरा दोस्त था कि बोले दो ही लोग कैसे जाओगे आधी रात को। तो भैया देखो ठाकुर जी की परम कृपा से ये दो भक्त जन आ गए, कहाँ कहाँ से आए बताओ? भैया जी मैं दिल्ली से आया हूँ। और ये गाजियाबाद से। ये गाजियाबाद से, मतलब मानो हम मतलब घर के बाहर खड़े थे, कैसे आए भैया आप ही बताओ, नहीं तो सबको लगेगा मैं झूठी बोल रहा हूँ। बस भैया को ढूंढते आ गए थे मिलने की, होती चाह। और ये मतलब कह भी रहे थे, वो वाला ब्लॉग देखा था लास्ट वाला? हाँ जी लास्ट वाला, जिसमें हमने मतलब जो बांटे थे ना सामने। चलो भैया प्रस्थान कर, ये फालतू की बातें तो होती रहेंगी। चलो ये चलते हैं। राधे राधे। ये पिछली बार जो हमने इनर वगैरह बांटी थी ना, वो परिक्रमा मार्ग से शुरुआत की थी, तो इस बार हम बांकी बिहारी जी मंदिर से शुरुआत करेंगे कंबल बांटने के लिए। ठाकुर जी की कृपा से ही तो सब कुछ हो रहा है ना, तो मतलब जो मंदिर के आसपास लोग सो रहे होंगे, जो भी भक्तगण होंगे, तो सबसे पहले शुभारंभ वहीं से करते हैं। भैया अभी हम उस जगह पर हैं जहाँ पर मतलब शाम के टाइम सुबह के टाइम इतनी भीड़ होती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो ये यहाँ पर तो अभी कोई दिख नहीं रहा है, कोई सोता हुआ, पहले भी यहाँ पर लोग सोया करते थे। तो ये बिहारी जी महाराज की देरी पर अगर कोई सो रहा होगा तो उसको दे आएंगे, और फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी के पास चलेंगे, और फिर उसके बाद तो फिर सीधा जाना ही है परिक्रमा मार्ग में, वहाँ तो बहुत लोग मिलेंगे। पहले एक पैकेट लेके चलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और ले आएंगे। कोई सोए और होए तभी तो ना, तो यहाँ पर तो भैया कोई भी नहीं है। एक ये सो रहा है, इसको देख दो। यहाँ तो कोई नहीं, बाकी बिहारी जी की झलक करा दो। तो भैया बिहारी जी मंदिर पर धुलाई हो रही है यहाँ पर अभी, अब चलते हैं। यहाँ पर और कोई तो है नहीं है जिसको देना चाहिए, मतलब एक वो माता जी थी जिसको दिया, एक ही है। अब राधा वल्लभ जी चलते हैं, वहाँ दिख जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद तो परिक्रमा मार्ग में चलेंगे। यूँ आओ, यहाँ भैया इधर से आओ, कोई दिख जाए तो। और आज देखो यहाँ भी कोई ना है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि मतलब बिहारी जी के द्वार पर कोई ज़्यादा मतलब अधिक लोग नहीं सो रहे हैं, जो पहले ना मतलब लाइन तारीख से सोया करते थे इधर, तो इसलिए हम यहाँ पर आए।
बट कोई नहीं, अब चलते हैं राधा वल्लभ जी की साइड से निकल जाएंगे, फिर कोई मिलता है तो अच्छी बात है। ये राधा वल्लभ जी मंदिर के घेरे में चलते हैं, यहाँ पर शायद कोई मिल जाए। तो ये राधा वल्लभ जी के मंदिर के घेरे पर भी कोई नहीं है, शायद महाप्रभु जी के मंदिर में होगा कोई ना कोई। चलो वहाँ पर तो कोई सो रहा है। बाबा 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 कंबल लाया है, ठीक है कंबल रखा है, सबको एक एक दे दिया है, ठीक है कंबल कंबल कंबल, ठीक है ये कंबल लाया है, ठीक है सो दो, इनको भी दे दिया है, सबको दे दिया है, दे दिया उड़ा दिया उड़ा दिया, ठीक है श्री अरविंद। तो ये यहाँ पर महाप्रभु जी का मंदिर, तो भैया एक इनके लिए भी कंबल डाल देते हैं क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना। भैया ठाकुर जी की परम कृपा से राधा वल्लभ जी के मंदिर पर तो कुछ लोग मिल गए, महाप्रभु जी के मंदिर में तो उनको तो उड़ा दिया है। अब सीधे परिक्रमा मार्ग में चलते हैं, परिक्रमा मार्ग में बांटेंगे अब। तो ये एक चौकीदार वाले भैया भी, इनको भी दे देते हैं, दे दो लो भैया। राधे राधे भैया, फोड़ लो इसको, कोई सो रहा है उधर कोई व्यक्ति, ठीक है जय हो महाराज, बहुत सुंदर, बस 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 बहुत सुंदर, आप बढ़िया लग रहे हो, नए नए चला महाराज। तो ये रास्ते में चल रहे थे तो साजी मंदिर के बिल्कुल नीचे एक भगत जी कोई सो रहे हैं, तो हमारी दूर से ही नज़र पड़ गई कि ये बताओ द्वार पे सो रहे हैं, ये इनको भी उड़ा देते। तो ये साजी मंदिर के बाद अब हम आ गए हैं राधा रमन जी के द्वार पर। तो ये राधा रमन जी के घेरे पर कोई है कि नहीं देख लेते हैं, शायद देखो इस रास मंडल पे होगा कोई, एक मिनट करके देख लें। भैया यहाँ पर भी नहीं कोई सो रहा, यहाँ पर भी नहीं है कोई, एक बार रुको मैं अंदर जाके आ रहा हूँ, और कोई सो रहा है क्या इधर बताओ? नहीं और कोई नहीं, नहीं चलो फिर जाओ। भैया प्रस्थान करते हैं परिक्रमा मार्ग के लिए। भैया अभी हम आ चुके हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत सारे संत लोग जो है यहीं पर सो रहे हैं। देखिए अभी हम लौट के आएंगे ना, मतलब परिक्रमा शुरुआत करते हुए तब इनको बांटते हुए चलेंगे। तो ये फिलहाल अभी हम आ चुके हैं केसी घाट पर, यहीं से बांटना शुरू करेंगे। अभी हम चलते हैं यमुना जी के दूसरी साइड और, ले आओ ले आओ ले आओ, और देख लेते हैं यहाँ पर भी कोई होता। तो ये कंबल तो है इनको, मगर इनको भी उड़ा देते हैं, उड़ा उड़ा उड़ा, पकड़िए पकड़िए, चारी नीचे कंबल भी नहीं है कुछ रखने के लिए, तो इनको धो दे देते हैं ताकि कल जो ये है ना नीचे बिछा भी लें और उड़ भी लें। और अधिकांश लोगों के पास ना बिल्कुल भी मतलब ब्लैंकेट नहीं है, कोई कोई तो शॉल में ही मतलब उड़ करके सो रहा है, किसी के पास है कंबल तो बहुत पतला वाला है, तो उनको हम डबल डबल कर दे रहे हैं ताकि बेचारे ठंड नहीं लगे ठाकुर जी की कृपा से। यमुना जी पर कितना फॉगी फॉग आ रहा है। अभी हम आ चुके हैं केसी घाट की इस वाली बुर्जी तक, मतलब आगे तक पहुंच चुके हैं, अब हम और आगे जाएंगे फिर उसके बाद यहीं से परिक्रमा स्टार्ट करते हुए पूरी परिक्रमा में देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी ना और लेके आने की तो घर पे भी 100 ब्लैंकेट और रखे हुए हैं, उनको भी ले आएंगे। तो दुनिया में धन मतलब कितना भी कमा लो, सबसे ज़्यादा आनंद तो यही है इन बेचारे भक्त लोगों के जो ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए हैं वृंदावन धाम में, और दर्शन के लिए हैं यहाँ पर, उनकी सेवा करके जो सुकून मिल रहा है ना, सबसे एक नंबर। देखो बताओ यहाँ पर बेचारे ये
इनके पास भी मतलब एक सॉली थी जो ओढ़ करके सो रहे थे, और यहाँ पर भी है देखो जो है वो, और ये देखिए इनके पास भी। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, पहली बार ये सेवा कर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है आपसे जुड़ के कि पुण्य का काम है काफ़ी। भैया कैसा आनंद आ रहा है आपको? भैया बहुत आनंद आ रहा है, ये तो राधा रानी की कृपा है हमें जो सेवा करने का मौका मिला है जी जी। तो ये कुंज बिहारी लाल की कृपा से हमें ये सेवा मिली है। देखो जाओ कितना कुकड़ के सो रहे हैं बेचारे, उड़ लो बालाज कम्बल उड़ लो। ये यहाँ आप देख सकते हैं कैसी छोटी सी कुटिया है, इसके अंदर एक वृद्ध माता जी हैं, उनको भी दे देते हैं। दे दो एक दे दो, एक उड़ाने के लिए जगह नहीं है, ऐसे ही डाल दो सिर के ऊपर डालना, बोला मत अपने आप डाल दो। तो ये यहाँ से अभी हम गाड़ी से प्रस्थान कर गए हैं, देख सकते हैं कितना फॉग भी है सामने। अब आपको आगे बहुत लोग सोते हुए मिलेंगे, उनको वितरण करते हुए चलेंगे। चलो चलो इनके पास तो है कंबल। हाँ हाँ सुनो, इनको दो, इनको रुको 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 रुको, ये वाले बाबा को दे दो। ये बाबा को हमने इनर दिया था ना, वो भी बाबा ने पहन रखा है। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं ले गए हो बेच दिया हो। देखो भैया ये आनंद है वृंदावन धाम का, अलग ही आनंद वाइब आ रही है, बढ़िया सुंदर। तो ये जैसे जिनका टेंट वगैरह लगा करके बैठे हुए हैं, तो इनने अपनी व्यवस्था खूब अच्छे से कर रखी है, तो इनको नहीं दे रहे, आगे जिनकी लगेगा जरूरत है उनको तो उनको ही देंगे। कैसा आनंद आ रहा है हीरा जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो उधर हैं बहुत सारे लोग, कंबल दिया है आपको, दे दिया दे दिया। तुम तो यार एकदम से यार ये क्या चीज़ जगह नहीं रही इसलिए सोते हुए नहीं दिया। ठीक है ऐसे घबरा सबको दे दिया है ना। जय राधे 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 बोलते राधे 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 श्याम चलो चलो चलाओ भैया, देखते हुए चलते हैं। चलो चलो चलो, हम चाहते हैं ना किसी को जगाएं नहीं और चुपचाप चुपचाप उड़ा के चले जाएं, उसका अलग ही आनंद है। ये रात के सवा एक बज चुके हैं, और बताओ हम पर कमा में कंबल बांट रहे हैं, अब इस जगह पर आ चुके हैं। देखो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनको भी बांट देते हैं चुपचाप चुपचाप। लाओ महाराज दो, एक दो ऐसा करेंगे। तो ये अब यहाँ आप देख सकते हैं कितना कोहरा है, कितना फॉग है। अब यहाँ पर वितरण करते हैं, यहाँ पर देखिए कितने सारे भक्त लोग श्रद्धालु लोग सो रहे हैं। सबरे ब्लैंकेट जो है बढ़ चुके हैं, मात्र एक और ये और बचा है, इसको भी कहीं बांट देते हैं, फिर विचार करते हैं कि एक और लिया है घर से किसको दे, एक इनको दे देते हैं। देखिए यहाँ पर ये सो रहे हैं चुपचाप, उड़ाते नहीं इनको दे देते हैं।
पूरे ब्लैंकेट जो हैं सब बढ़ चुके हैं, सब ठाकुर जी की कृपा से आधी परिक्रमा हुई है, इतने में ही पूरे बढ़ चुके हैं। अब 100 ब्लैंकेट और ले आते हैं। कितने बज रहे हैं भैया? लगभग 1:30 बज रहा होगा। हाँ हैं, 1:30 या 1:45 कितना लगा। तो अभी आप देख सकते हैं 1:22 हो रहे हैं। चलो चलते हैं और ले जाते हैं। राधे राधे। बाबा आपको मिल गया ना, बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा से खूब आशीर्वाद दो जिन्होंने भेजा है, ठीक है। हाँ, अभी तो पूरे हो चुके हैं खत्म, 100 लेके आए थे घर से। अच्छा, 100 और लेके आ रहे हैं, अब आगे की परिक्रमा में बांटेंगे, ठीक है। राधे राधे, जय हो। देखो वो भी बेचारे, देखो भाई साहब ये देखो रात्रि का सीन एक नंबर। अब देखो यहीं से बांटना शुरू करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सामने कितना फॉग है कि दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ये टटिया स्थान होकर के अभी हम घर जा रहे हैं और हमारे हीरा लाल जी ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी। जय हो श्री हरदास, टटिया स्थान की जय हो। अभी तो 1:30 है, अभी तो 1 घंटा और लग जाएगा। बिल्कुल जी, कोई नहीं। चलो भैया कोई नहीं, बांट तो लेते हैं, ब्लॉक कम बनाएंगे क्योंकि मालूम है 29% बैटरी बची है इसकी, बट बांटेंगे ज़्यादा। 1:30 अभी हम आ चुके हैं घर पर और कंबल लेने के लिए। अब घर पे खटखट आएंगे, गेट को तो पता नहीं खोलेंगे कि नहीं, खोल तो देंगे। तो ये एक ब्लैंकेट का जो है पूरा कट्टा है, तो हमने ये ले गए थे। अब ये दूसरा पूरा पैकेट है 100 पैकेटों का, अब इसको भी खोल करके ले जाएंगे। मतलब 200 थे टोटल ब्लैंकेट, 100 ये वाले 100 ये वाले। एक बार भैया पूरी गाड़ी में दिखा दो कितना पूरा भरा हुआ है, पीछे का भी भरा हुआ है, आगे का भी भरा हुआ है। भैया फिर से चलते हैं, पानी की बोतल भी लेकर चलते हैं क्योंकि प्यास लग रही थी पहले बहुत। चला हमारा, जैसे ही हम परिक्रमा मार्ग में जाएंगे ना, सोई फॉग हमें देखने को मिलेगा। मतलब सिटी के अंदर फॉग नहीं है, परिक्रमा मार्ग में फॉग है। देखो तो हमने कहाँ से शुरुआत करनी है, ये आगे से करेंगे। देखो भाई साहब दिखना ही बंद हो गया, जगन्नाथ घाट से करना है। तो भैया व्लॉग हम कम बनाएंगे, क्यों मालूम है? क्योंकि बैटरी वैसे ही पहले से ही बहुत कम है। व्लॉग से ज़्यादा हम सेवा करेंगे, व्लॉग बनाते रहेंगे, नहीं तो फिर सेवा भी नहीं कर पाएंगे। चुपचाप। बाबा ने देखिए पन्नी ओढ़ रखी है ताकि इससे ठंड ना लगे, ओस ना गिरे। बाबा कहाँ पर आते, जगन्नाथ जी के द्वार पर। लो बाबा इसको लो बाबा, ठीक है। राधे राधे। चलो चलो चलो, एक सेकंड। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इन बाबा को हमने कंबल उड़ा दिया है और यहाँ पर देख लो किसी पर भी कंबल नहीं है। उल्लो उल्लो कंबल है, कंबल है, उल्लो उल्लो कंबल है बाबा, कंबल। चुपचाप चुपचाप।
सो जाओ डर गए हो। राधे राधे कैसे कर रहे हो क्या डर जाते हैं कुछ लोग। तो भैया अभी हम आ चुके हैं टटिया स्थान तक, अभी हमने यहाँ तक कंबल बांट दिए हैं। और अभी मालूम है क्या सीन हुआ, अभी हम एक बाबा को दे रहे थे कंबल, वो मतलब हम चाह नहीं रहे थे कि मतलब वो जाग गए, हम बिल्कुल चुपचाप दे रहे थे, एकदम से उनकी आँख खुल गई। आँख इसलिए खुल गई क्योंकि उनके बगल में कुत्ता सो रहा था, वो भौंक रहा था, तो उन्होंने एकदम से देखा कि कौन खड़ा है हमारे बगल में, एकदम क्या कह रहे थे। फिर हमने कही बाबा कंबल बांट रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा जो कह रहे फिर। मजा आ रहा है कुछ जी, जाओ भैया बोलो क्या रहा है। बिल्कुल जी बहुत मजा आया, क्या भैया हीरा लाल आनंद आ रहा है, बिल्कुल पक्की बात है ना, लास्ट पक्की बात है जी। जय हो। तो भैया अभी यहाँ पर अभी और कंबल बचे हैं और डिग्गी भी अभी पूरी भरी हुई है, अभी फिलहाल अभी हम व्लॉग कम बना रहे हैं और जो है बांट जा रहे हैं। तो भैया देखिए क्या आनंद आ रहा है, फॉग ही फॉग है, बहुत जोर की बात है। तो भैया हमारा हीरा कह रहा है, हीरा से हमारे एक मतलब बाबा बोल रहे थे कि बोले लाला 30 मिनट में तो रजाई गर्म होती है, 31वीं मिनट में पेशाब आ जाता है। तो ये पूरा मामला खत्म, 30 मिनट में तो रजाई गर्म होती है और 31वीं मिनट में बाथरूम आ जाता है, तो सब मामला खराब, सब नहीं गर्माई बात। बांटते बांटते अभी हम आ चुके हैं चामुंडा मंदिर के पास, अटला चुंगी से थोड़ा पहले, यहाँ भी बांट रहे, बांट लेंगे तो चलते हैं अब आगे के लिए। और तो आप यहाँ देख सकते हैं सबको लाइन तारीख से उड़ा दिए हैं और किसी को भी पता नहीं चला है। तो भैया ठाकुर जी की परम कृपा से सबको लाइन तारीख से उड़ा दिए हैं और किसी को भी बिल्कुल पता नहीं चला है, नींद ही नींद में सुबह एकदम से उठेंगे ना सर, सबको सरप्राइज मिलेगा एकदम से कि कंबल कहाँ से आ गया, ऐसे ही बांटने में आनंद आता है। चलें महाराज चलो। एक ब्लैंकेट और दे दो बस, यहाँ पे हो गए पूरी। लाल रंग को दे दिए जी, ठीक है बिहारियाल की जय। और दे दो और धरो तुम्हारे आ जाओ। तो ये सभी बाबाओं को कंबल दे दिया है, ठीक है बढ़िया हो गया आनंद, ठीक है बाबा जय बाबा, चलो फिर आएंगे बाबा हैं। तो ये जितने और ब्लैंकेट लेकर के आए थे ना 100, वो भी पूरे मतलब ख़त्म हो चुके हैं, कितने बचे हैं एक बचा है सिर्फ, क्योंकि लास्ट वाले जो भी थे वो अभी अभी बांट दिए हैं। ये चलने का समय आ चुका है घर के लिए, क्योंकि मालूम है अभी कितने बज रहे हैं, बताओ ये कितने बज रहे हैं भैया, अब सुबह के 3:12 बताओ भाई साहब, आज तो पूरी रात यहीं पर हो गई। चलो कोई नहीं, मगर जो लोग ये संतुष्ट हुए ना इनको दे करके हमारा मन संतुष्ट हो गया, ये बात तो पक्की है। भैया अभी हमें बाबा नीम करौली आश्रम में, यहाँ पर अभी हमारे पास एक ब्लैंकेट और बचा है, इनको दे देते हैं जो ये संत लोग यहाँ पर सो रहे हैं। चलो भैया खूब आनंद आ गया, पूरे कंबल जो है बट चुके हैं, अब घर के लिए प्रस्थान करते हैं। और श्री नीम करौली बाबा की जय। तो भैया फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अपने घर पर होली गली में। भैया ठीक है, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड कर देते हैं, जल्दी मिलेंगे हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे भाइयों का, जो कि मतलब ये हमारे साथ में थे तो सेवा मतलब बहुत आसानी से हो गई, दो दो चक्कर लग गए। ये तो राधे रानी कृपा से आज हमें सेवा का मौका मिला है, तो हम बिल्कुल परम आनंद में हैं, हमारा ट्रिप बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ आज मिलके इनके साथ, और जो हमने कंबल के जो विस्तृत किया है ये बहुत अच्छा लगा हम सबको। और भैया आपको क्या कहना चाहिए, जय हो जय हो। हीरा सेठ जी
बस राधे राधे, कंबल तो भाई साहब ने बांट दिए हैं, परंतु ये बचा है इसको गले में टांग लो। भाइयों का स्वागत कर दो कर दो। राधे राधे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगली ट्रिप मथुरा के गरीबों को बांट दे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तक आप सभी को राधे राधे। श्री हरवंश।